वहीं तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं कुलभूषण। कुलभूषण से जानना चाहेंगे, कुलभूषण जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस फिल्म को देखा है और उन्होंने काफी ज्यादा दुख दर्द भरी जो घटना हुई थी उस दौरान वो सच एक उजागर किया गया है, इस पर तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म फाइल जो है देखी है, कश्मीर फिल्म फाइल कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये कश्मीर के पंडितों के ऊपर ये पूरी फिल्म बनाई गई है, 1990 के दशक में जो पंडितों पर अत्याचार हुए थे इस पर जो है पूरी फिल्म आधारित है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह सहित प्रदेश के तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके कैबिनेट सरकार के मंत्री हैं, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ कल मुख्यमंत्री ने ये फिल्म देखी। कश्मीर पर आधारित ये फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा की और वो भावुक होते हुए उन्होंने जनता से अपील की कि ये फिल्म आप जरूर देखें, क्योंकि जिस प्रकार से कश्मीर में पंडितों पर जुल्म ढहाया गया था इसको लेकर उन्होंने अपने पूरे मीडिया से चर्चा के दौरान वर्णन किया और इसके साथ ही ये अपील कि कैसे जो है पंडितों पर जुल्म ढाया गया, उसके बाद जो कश्मीर के पंडित थे वो अलग अलग प्रदेशों में शिफ्ट हुए लेकिन अभी भी जो उनकी संपत्ति है वो कश्मीर में है। ऐसी स्थिति में इस फिल्म को देखने के लिए राजनीति सियासत शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उसको समर्थन बीजेपी ने दिया था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर जो है सियासत काफी तेज हो चुकी है और सभी राज्यों में ये देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के बाद सभी राज्यों में जो सरकारें हैं बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर तमाम जो नेता हैं वो फिल्म दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अभी कुछ ही देर बाद जो बीजेपी के नेता हैं वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को जो टिकट है कश्मीर फाइल फिल्म की वो पोस्ट ऑफिस से कोरियर करेंगे। जी कुलभूषण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज सीएम भूपेश सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो बैठक आज कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक होगी, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय पहुंचेंगे और वहां पे कानून व्यवस्था को लेकर बैठक लेंगे, क्योंकि रविवार के दिन जिस प्रकार से चार आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी, एटीएस ने चार आतंकियों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उनसे पूछताछ के बाद दो और आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी, उनके पास से बड़ी मात्रा में जो है कह सकते हैं विस्फोटक सामग्री जब्त हुई थी, कंप्यूटर लैपटॉप सहित जो डिवाइस होती है सिम होती है वो बरामद की गई थी। बांग्लादेश से ये मध्य प्रदेश पहुंचे थे और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जब इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया तो बॉर्डर में जो है दलाल को पैसे देके देश में एंट्री की थी, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में ये एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप लगाने वाले थे जिससे युवाओं को जोड़ते और आतंकी साजिश को जो है अंजाम देते हुए नजर आते। हालांकि इसको लेकर जो है मध्य प्रदेश में अभी हाई अलर्ट भी जारी है और इसी तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से जो डीजीपी है सुधीर सक्सेना सहित जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि कल होली का पर्व है, ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घटना दुर्घटना ना हो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा।